यहाँ पर ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, पीछे ये देखिएगा मजदूरों के हालात क्या हैं, नीचे मजदूर किस तरह हालात में जी रहे हैं। हम यहाँ पर रोटी के लिए लड़ रहे हैं, बुरे हालात में जी सुन लें, हम यहाँ पर रोटी के लिए मर रहे हैं, रोटी के लिए यहाँ पर मजदूर लोग आकर लेट रहे हैं, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही। दूसरी तरफ हमारा पड़ोस सर, वो चंद्रयान लॉन्च कर दिया उसने, आज उसने अनाउंसमेंट की है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाएगा, अजायब घर बनाएगा, जिसके अंदर अपनी तारीख लिखेगा वो, और 5000 साल पुरानी तारीख लिखेगा, और उस तारीख के अंदर पाकिस्तान भी आता है। क्या हम आते हैं उसके तारीख के अंदर? अगर ये लात रहे तो फिर तो नहीं आएंगे। नहीं, हिंदुस्तान के साथ हमारी तारीख है या नहीं है? है, है? है। क्या तारीख है हमारी? के देखे ना, वो हमारे से पीछे था, अब वो आगे निकल गया हमारे से, तो यहाँ पे जितनी देर वो करप्शन खत्म नहीं ना होगी उतनी देर ये मुल्क सीधा नहीं हो सकता। ठीक है, क्या इंडिया हमसे आगे है? नहीं, हम पीछे हैं इंडिया से, अब पहले थे, अब पीछे हम। सही, तो क्या मुकाबला कर सकते हैं उनका? करना चाहे तो कर भी सकते हैं। कैसे? बातों से? बातों से नहीं, ये अपना सारा कुछ ठीक करे, कुमार ठीक करे, करप्शन खत्म करे। 75 और 76 साल होने वाले हैं अभी, ये 15 अगस्त के बाद और 14 अगस्त के बाद हम 76 सालों के हो जाएंगे। वो तो ठीक है आपकी बात, अभी तक नहीं हो सके तो कैसे होगी? ये नहीं हो ही नहीं सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता कि जितनी देर यहाँ से करप्शन खत्म नहीं होगी उतनी देर ये कुछ नहीं हो सकता। इसका सर करप्शन कौन करता? हम में से कोई, आप में से कोई उठ के कर रहा ना करप्शन? जितने बड़े सरमाएदार है या जितने ये लीडर है वो कर रहे, क्या कर रहे हैं अवाम के लिए? सर करप्शन तो नो डाउट के दुनिया में हर कोने में होती होगी, आज अमेरिका में करप्शन है, आज अगर बांग्लादेश में भी, चाइना के अंदर भी करप्शन है। सुन लें, करप्शन हर जगह पर होती है सर, इंडिया के अंदर भी करप्शन है। सर अगर मैं बात करूं हमारे पड़ोसी मुल्क जिसे हम अपना दुश्मन कहते हैं सर, वो आज दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत है, हम उनसे निकले हैं, आज हम उनके बारे में बात सुनना पसंद नहीं करते। अगर आज इंडिया की मैं बात करूं तो यहां पर आकर मुझे लोग कह देंगे कि भाई ये इंडिया से आया। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो हम उनकी अगर नेगेटिविटी में बात करें, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एटम बम की, हम मार देंगे, दाड़ देंगे, यहाँ पर लोग तालियाँ बजाएंगे सारे मिलके। अगर मैं उनकी तारीफ करूँगा, यहाँ पर खड़े होकर कहूँगा कि भाई उनकी मईशत हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर लोग मुझे कहेंगे ये इंडिया से आया। ये सही कह रहे हो कि नहीं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम तस्लीम क्यों नहीं करते वो हमसे आगे? यही तो इनका मसला है, ये जितने हैं ना लीडर वगैरह ये सब कह रहे, गरीब आदमी का कोई नहीं सोच रहा। सर आप पर्सनली अपना बताएं, 20,000 में ये कह रहे हैं आप? गरीब अपना आप ही नहीं सोचता, गरीब अपना खुद का नहीं सोचता, खुद क्यों नहीं सोचता? अगर उनको अच्छे पैसे मिलेंगे तो वो कैसे करप्शन खत्म नहीं होगी? अगर गरीब अपना आप सोचन लग पवे ना तो करप्शन हुकूमत आप ही खत्म कर देगी। जो असी एक दूजे नु वढना, अही एक दूसरे नु टुकना, तो करप्शन उत्थे हुकूमत की करेगी? करप्शन क्या कह रहे, कुछ समझ आई इनकी? यार मुझे इतनी समझ है कि ये लोग कभी सुधर नहीं सकते। क्यों नहीं सुधर सकते? देखो तो इनके अपने पेट नहीं भर रहे तो गरीब आदमी को ये क्या देंगे? कौन लोग? ये लोग या हुक्मरान? हुक्मरान पहले क्या है जी, वो आ रहा है जी इमरान खान, क्या किया उसने? महंगाई की, वो इतना पैसा किधर गया? क्या कह रहे हैं आप? इंडिया का देख लें कि 15 साल हो गए एक ही हुक्मरान है, हम आगे हुकूमत में जो है, हम आगे पाकिस्तान में आए दिन 6 महीने बाद जो है वो वजीर आजम चेंज हो जाता है आए दिन। क्या हम आगे पाकिस्तान इतना लो हो गया, इतना कमज़ोर हो गया? सर हम कमज़ोर हो गए, हम लो भी हो गए, और बिल्कुल जो है ना हम आगे मुसलमान जो है वो एक कंप्रोमाइज़ नहीं है इन लोगों में। दूसरी चीज़ ये के बात कही है इंडिया की, तो क्या लगता है आपको क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात के अंदर? इंशाअल्लाह ताला। किस वक्त के सवाले से? बातों से नहीं, इंशाअल्लाह ताला अगर हम पूरी अवाम हुक्मरान एक होकर इस चीज का कम्प्रोमाइज करें और इत्तफाक से बैठें और इसके बारे में सोचें तो हम इंशाअल्लाह ताला इंडिया का पूरा मुकाबला कर सकते हैं। इस हवाले से मुकाबला करना चाह रहे हैं? हम इस मुकाबला करना चाहते हैं कि अगर हम महंगाई के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे पास ज्यादा या इंडिया में ज्यादा? अब हमारे पास ज्यादा है, पहले को क्या लगता है हमारे पास? बिल्कुल इनके हमारे पास ज्यादा, पाकिस्तान में ज्यादा है, वहाँ ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ज्यादा हो चुकी है। इंडिया इस टाइम हम लोगों से आगे जा रहा है, आटा यहाँ 150 रुपए किलो मिल रहा है,
क्या गरीब बंदा जिसकी 1000 रुपए दिहाड़ी है वो 1000 रुपए में घी लेगा, आटा लेगा, चीनी लेगा, पत्ती लेगा, क्या लेगा? गरीब को तो उन्होंने मार दिया। मैं ये इनके आगे हाथ बांध के कहता हूँ कि प्लीज़ खुदाया गरीब के बारे में सोचो। ये रोड बना लेने से या करने से कुछ भी नहीं बनेगा। आप लोग सब एक होके चलें ना, हम पीटीआई के हैं, ना हम नून लीग के हैं, ना हम पीपी के हैं। हम इनको सबको यही कहते हैं कि आप जो है ना अवाम के बारे में सोचें। आप अवाम के बारे में सोचें, हम आपके बारे में सोचेंगे इंशाअल्लाह ताला। मियां शहबाज शरीफ से हम वादा करते हैं और जो भी हुकूमत में जो भी आएगा हम उसके साथ चलेंगे। लेकिन हमारे साथ क्या करते हैं? धोखाबाजी, करप्शन। किसी के पास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा हालात को देखते हुए? हम किसी का मुकाबला भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आपको नहीं पता सर? आप बताएं ना क्यों नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ, हमारे मुल्क का हालात ही कुछ नहीं है, ऐसे कैसे करें मुकाबला मुल्क? सर हमने तो पाकिस्तान इसलिए अलग किया था कि हम तरक्की करेंगे। तरक्की हो तो गई है। किधर हुई? देखें जाके जेलों में तरक्की हुई पड़ी है। हमारे जो भी मुल्क के वज़ीर आज़म या कोई भी काम करने वाला बंदा है वो सारे जेलों में पड़े हुए हैं। सर आज इंडिया ने बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना लिया, अजायब घर बना लिया, दुनिया का सबसे बड़ा। अगर आप देखेंगे वो चांद पर चला गया, वो दुनिया की पांचवी बड़ी मईशत बन गया। हम क्या कर रहे हैं? हम बस लोगों को देख रहे हैं, IMF के तरले कर रहे हैं, मुल्कों के तरले कर रहे हैं, वो छन्ना लेके घूम रहे हैं। मांगने वाले हैं, मांगने वाले क्या करते हैं, यही काम है। इंसाफ, हम तो कहते हैं कि हम इंडिया का मुकाबला भी करेंगे। इंसाफ नाप की तो चीज़ ही नहीं है पाकिस्तान में। फिर हम तो कहते हैं इंडिया का मुकाबला भी करेंगे। पता नहीं कौन कि हम कहते हैं कि इंडिया का मुकाबला भी करेंगे, क्या कर सकते हैं? जी कर भी सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हालात हमारे हो गए हैं हमें तो नहीं कर सकते हैं। आपने कहा किस हवाले में कर सकते हैं मुकाबला? कर ऐसे सकते हैं कि हमारी आर्मी हमारे साथ हो, ठीक है, अगर वो साफ दिल शफाफ हो के हमारे साथ लगे तो हम कर सकते हैं। जो हालात हो रहे हैं ये तो हमें मुश्किल लग रहा है कि हमारे क्या हालात हो रहे हैं। हमारी आर्मी सियासत में पड़ गई है। हमारे हालात क्या हो रहे हैं? हमारे हालात ये हो रहे हैं, हमें दो रोटी और रोटी के ऊपर दो वक्त की रोटी है ना जो हमें उधर लगा दी है, वो खुद मुअश्शिद जैसे दिल कर रहा है वैसे चला रहे हैं, ठीक है। कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ रोटी पे ऊपर लगा दिया, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, सो जाते हैं, सुबह आते हैं रोटी के लिए, ठीक है। इधर कभी मिलती है दिहाड़ी, कभी नहीं मिलती, ठीक है। और क्या हम क्या करेंगे? हम क्या मुश्किल चलाएंगे? क्या हम लोगों को क्या क्या तलाक करें? क्या तरक्की होगी हमारी, ठीक है? महंगाई इतनी है। और उधर इंडिया में चले जाएं, आटा 25 रुपये किलो है, इधर 2 रुपये किलो है, उधर पेट्रोल 75 रुपये किलो है, पेट्रोल 300 रुपये लीटर है, ठीक है, उधर लीटर की बात कर रहा हूँ, लीटर, हाँ। तो और वो इंडिया हमारे से आगे निकल गया है। लोग बातों में ही कर सकते हैं मुकाबला सर, दुनिया की पांचवी बड़ी मैच है नहीं है सर, पहले तो कुछ है नहीं है, तो बातों से मुकाबला करना है ना। बातों से मुकाबला कर सकते हैं सर। और हिम्मत आप बताएं मुझे, आप जाकर आपके फौरन अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक। अलग नाम आपका? मोहम्मद शफीक। क्या करते हैं? कलर का काम करते हैं। कैसा गुजारा चल रहा है? सही चल रहा है? बस गुजारा ही है, बड़ी मुश्किल चल रहा है। सर एक सवाल लेकर आपके पास आया हूँ। हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा म्यूजियम बनाया अजायब घर, उस हिंदुस्तान कहता कि इस अजायब घर का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका ताल्लुक भी हमारे साथ ही है। क्या हमारा कोई ताल्लुक है इंडिया के साथ? नहीं नहीं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा ताल्लुक किनसे है? हम इस्लाम से है। हमारा ताल्लुक हम इस्लाम से। पहले का हमारा ताल्लुक किसके साथ है? मुसलमान के साथ। यही जी हमारे साथ ही है, पाकिस्तानी है भाई। क्या कह रहे हैं अंकल? हम पाकिस्तानी है भाई, हम इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं का। हमारा कोई ताल्लुक नहीं जी। आप पंजाबी हैं? पंजाबी हैं। आप अगर आज से 80 साल पीछे जाएंगे तो हमारा ताल्लुक कहाँ से निकलेगा? 100 साल पीछे चले जाएं फिर भी पाकिस्तान से निकलेगा। फिर भी पाकिस्तान से निकलेगा? क्या कह रहे हैं? इंडिया से भी। इंडिया से निकलेगा? फिर हम मानते क्यों नहीं है कि हम इंडिया के ओरिजिन से? अब लैदा हो गए भाई, इस वजह से हमारा है, उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं जान के हमारा अमल अलग है। हाँ जी, आपको पता है कि हमारा अमल इस्लामी है, इस्लामी। हाँ जी, इस्लाम से कायम। हाँ जी सर, इस्लाम से तो कायम है, नो डाउट कि इस्लाम से तो कोई यहाँ पर मना कर नहीं रहा कि हम इस्लाम से नहीं बने, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारी नस्ल कहाँ से है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। हमारे जो नस्ल जो है वो जो ना ये अफगानिस्तान से है भाई। अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान से। ये पंजाबियों से मैं पूछ रहा हूँ सर, क्या लगता है कि म्यूजियम बना दिया दुनिया का सबसे बड़ा, और उन्होंने चंद्रयान मिशन भी चांद पर वो चले गए हैं, क्या हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? इंशाल्लाह करेंगे उनसे मुकाबला। किस तरह से करेंगे? कलमे के साथ।
कलमे के साथ अल्लाह का नाम लेके उनका मुकाबला करेंगे। वो तो ठीक है, कलमे के साथ तो जरूर करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे, कोई लॉजिक तो दें। मतलब के प्रैक्टिकल करेंगे और क्या करेंगे। प्रैक्टिकल किस तरह से करेंगे? जैसे होता है प्रैक्टिकल। कैसे होता है? क्या जंग करेंगे? जंग करेंगे तो उनके साथ जंग भी कर लेंगे। चार जंगे कर ली, चार जंगों में क्या पाया हमने? कुछ नहीं पाया। कुछ पाया? से कुछ मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। नफरतों से कुछ मिलेगा हमें? कुछ नहीं मिलेगा। पीस करनी चाहिए ना, मोहब्बत करनी चाहिए? करनी चाहिए। क्या वो बुरे लोग हैं? बुरे लोग हैं। ज्यादा बुरे हैं? किस तरह से बुरे हैं थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। ज्यादा बुरे हैं, सलूक ही नहीं हो रहा उनका। सर इस्लाम के खिलाफ आप बार बार इस्लाम के बारे में बात कर रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ तो चाइना भी है, चाइना के बारे में बात क्यों नहीं करते हम? चाइना और मुल्क है, वो और मुल्क है, वो पाकिस्तान से खिलाफ है। जितने जुल्म, जितना जुल्म चाइना के अंदर मुसलमानों पर हो रहा है आपको पता? इतना जुल्म भी इंडिया, हम पाकिस्तान में करते हैं, हमारी दरिया जो ना ये। आपको किसने कहा इंडिया के अंदर जुल्म होता है मुसलमान? बहुत होते, बहुत होते हैं। आपको किसने कहा? आपको लगता है इस्लाम में क्यों जुल्म होता है? नमाज कश्मीर में जुल्म होता है जी, कश्मीर में कितने जुल्म होते हैं? तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान 21% है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो अब 1% भी नहीं रहे, वो कहाँ गए? तो हम क्या जवाब दें उन्हें? उसके बोले ये जो कश्मीरी है ना वो सब मुसलमान है, वो क्यों जुलम करते हैं? मेरी तो बात नहीं कर रहा। तो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुसलमान 21% है जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो अब 1% भी नहीं रहे, वो कहाँ गए? तो हम क्या जवाब दें उन्हें? उसके बोले ये जो कश्मीरी है ना वो सब मुसलमान है, वो क्यों जुलम करते हैं? मेरी तो बात नहीं कर रहा। कश्मीर छोड़कर हमारे पास हो क्या? हमारे पास आएंगे कौन? कश्मीरी कभी नहीं आएंगे इधर। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उन्होंने उधर बड़ी मार खाई है, वो नहीं आ सकते अपना घर। मतलब कि आपको लगता है वहाँ पर जुल्म ज्यादा हो रहा है? हाँ। और जो यहाँ पर हो रहा है वो क्या? वो कभी नहीं आएंगे इधर। जो यहाँ पर आपको रोटी मिल रही है, यहाँ पर खड़े हैं रोटी के लिए, मजदूरी मिल रही है जी? नहीं मिल रही। तो अगर उन लोगों को आप कहेंगे कि भाई हमारे पास आकर यहाँ पर खड़े हो जो मजदूरी के लिए, जलील होंगे जी? नहीं, वो छोड़ के कभी नहीं आएंगे। जो हालात में हम हैं, क्या हम अपने दूसरे भाई को भी लाकर यहाँ पर? ये जो हालात हैं ये पूरा दुनिया में ये हालात है हमारे, पूरी दुनिया में ये हालात है। एक मुल्क बता दें कि जिसमें ये हालात है पूरा दुनिया में। ईरान हुकूमत आई है तब से ये हमारे काफी ज्यादा मुल्क है हमारे। आप बताएं मुझे, पूरी दुनिया में अंकल कह रहे हैं पूरी दुनिया में ये हालात है, आप मुझे एक मुल्क बता दें जहाँ पर ये हालात है। यहाँ पर ये हालात है कि जहाँ पर हम जब से पैदा हुए, जब से ये मुल्क बनाया 1947 से लेके अभी तक हम भीख पर चल रहे। क्या इंडिया मांगता दुनिया से? पाकिस्तान शुरू से किससे मांगता है? अमेरिका से। अमेरिका से कौन? अमेरिका को इंडिया दे रहा है आजकल? इंडिया नहीं दे रहा। थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। इंडिया नहीं दे रहा। किस तरह नहीं दे रहा आप मुझे बताओ, फैक्ट्स पे बात करते हैं। सर वो बीक इंडिया मांग रहा है ना, अमेरिका से ले रहा है ना, अमेरिका से ले रहा है। अमेरिका से किस तरह ले रहा है, कोई थोड़ा सा दलील दे के बात करें। सर जब भी देख लो मोदी उधर ही होता है। सर वो उसकी रिस्पेक्ट, दुनिया की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ है, इंडिया की आबादी कितनी है? इंडिया 1 अरब 22 करोड़ जी, 1 अरब 35 करोड़ हो गई अब तो। सर एक मुल्क इतने बड़ी मैशत रखने वाला मुल्क है, वहाँ पर आप अगर फॉरेन रिजर्व, मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ गलती से, अगर मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करूँगा तो नहीं हो पाएगी आपसे। अगर फैक्ट्स के ऊपर बात करें, ये काम है फौज का, ये फौज का काम है, हुकूमत का काम है। हुकूमत आपने कभी इंडिया का विजिट किया? सर इंशाल्लाह जरूर करूँगा, मौका मिलेगा तो बताइए। क्यों उधर जाके आपको पता चले ना, तो हम फेसबुक वगैरह देखते हैं क्या हालात है क्या नहीं है। किसी भी मुल्क की तरक्की, किसी भी मुल्क का तरक्की का अंदाजा कैसे लगाते पता? GDP, उस मुल्क की GDP को देखा जाता है। इंडिया में बेहाशी बड़ी है सर, वो उनका अलग फेल, उसके बारे में हम बात नहीं करते। हमने रोटरी के बारे में बात कर, हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर इतने मजदूर लाइन में लगे, वो वहाँ पर मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो लेटे हुए हैं लोग, लेकिन यहाँ पर मजदूरी नहीं मिल रही। हम, मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को एजुकेट करना, पाकिस्तान के लोगों को ये बताना कि भाई हम तरक्की नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे? अगर इंडिया आगे चला गया तो आज तस्लीम कर लेना चाहिए ना हमें। हुकूमत की काम है का, हुकूमत की काम है का। सर वही तो बता रहा हूँ, जब आप तस्लीम नहीं करेंगे कि ये तरक्की कर रहा है, वो तरक्की नहीं कर रहा, मुझे बताओ ना कैसे नहीं कर रहा? अफगानिस्तान का है ना, इसीलिए नहीं बता रहा। पता क्या, ये खुद आवाम खुद सही हो जाए ना, ये हुक्मरान सही हो जाए ना, चीजें है ना इस मुल्क की, ये सब की सब ठीक है, गंदा में वो भी बाहर जाती है। मैं कहूँ तो हम खुद ठीक नहीं है, निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल के अगर हमारे दादे परदादे कहाँ? भाई मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, इंडिया की बात ना करें। मैं यहाँ पर मिसाल देने, मेरी बात एक मिनट मेरी बात सुन ले, पूरी 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 बात सुन ले। हमने अपने निजाम को ठीक करने के लिए गर्म होना, अब मैंने आज इंडिया की मिसाल दी तो बड़ा बुरा लगा भाई को। भाई अगर मुकाबला कर रहे हैं इंडिया का, तो आप उनके
सेक्टर का मुकाबला करें, अगर मुकाबला करना उनके आप जीडीपी का मुकाबला करें, फॉरेन रिजर्व का मुकाबला करें, पूरे फॉरेन रिजर्व पता कितने नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो बात आपको बुरी लगी लेकिन जो सच है भाई तस्लीम करना पड़ेगा, हमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं, हमने जज्बाती होकर बहुत नुकसान करवा लिया। आप कितनी है वही तो बात कर रहा हूँ मैं उसी तरफ तो आ रहा हूँ, लेकिन आप जज्बाती हो गए इंडिया के, आप समझ नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हैं सारे कह रहे हैं यहाँ पर हम जज्बाती हो गए ना, सिर्फ आज तक हमें कश्मीर के नाम पर लड़ाया गया, हमें सिर्फ इंडिया के खिलाफ आज तक उकसाया गया, लेकिन दुश्मन नहीं है। आज अगर हम उनसे ट्रेड कर लेते हैं, लेन देन कर लेते हैं सामान का, आप मुझे बताएं वहाँ पर 25 रुपए केजी आटा, यहाँ पर कितने का आटा खा रहे हैं? इधर तकरीबन 150 रुपए किलो, 150 रुपए किलो आटा। अगर बताएं ट्रेड कर लेते हैं हम उनसे, लेन देन कर लेते हैं, तो यहाँ पर आवाम को ज्यादा होगा 50 रुपए का आटा मिलेगा, खाना पसंद करेंगे या नहीं? जी बताएं, सही बात है, खाना चाहेंगे या नहीं? खाना चाहेंगे या नहीं? अल्लाह के हाथ में क्या, इंडिया के हाथ में सर, अल्लाह ताला ने बरकत करने को तो कहा ना, बरकत करेगा सर, अपने हमसायों से, अपने हमसायों। हाँ जी, क्या कह रहे हैं कि कल तरफ से होता है सारा काम, ये ट्रेड हमने नहीं करना, ये हुक्मरानों ने करना है। वही आप लोग अपनी राय देंगे तो हुक्मरान करेंगे, मजदूरों को मार दिया है जिन्होंने मजदूरों को मार दिया है, खाने को आटा नहीं है, गाड़ी में डालने को तेल नहीं है, पैसे नहीं है, घी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इधर मजदूरी नहीं है, सारा दिन बैठ बैठ के चले जाते हैं, घर वाले पे बोलते पैसे दो, पैसे कहाँ से लाने हैं? ये देंगे कारोबार, थोड़ा कारोबार देंगे या थोड़ी सी महंगाई कम करेंगे तो फिर ही गुजारा होगा ना। आप जज्बाती हो गए मेरे बहुत प्यारे भाई हो आप, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, इन्हीं जज्बातों की वजह से हमें आज लूटा गया, आज हमारे बैंक सारे खाली हैं, आज एक बंदा कितने का कर्जा है? 180,000 रुपए का कर्जा है, भी कर जाइए ज्यादा, हमें सिर्फ जज्बाती किया गया।